Assalamu alaikum everyone. Welcome all of you in this webinar of guidelines for first year MBBS students. My name is Dr. Wahab Naseem, Head Medical Council Mustafi Students Movement Pakistan. बच्चों हमारी मेडिकल काउंसिल जो है मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट हमने एमकेट के काफी लेक्चर्स दी ऑलमोस्ट हमारे 10 to 12 वेबिनार्स हैं अभी एक दो हमारे एडिटिंग के प्रोसेस में है लेकिन वो सारे एमकेट के बारे में है. ये हमारा मेडिकल काउंसिल का फर्स्ट लेक्चर है एमबीबीएस के बारे में. इंशाल्लाह फर्दर भी हम आपको गाइड करते रहेंगे बच्चों को जहां हमारी जरूरत पड़ती है. अल्लाह का शुक्र है मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट उनकी हेल्प करती है. चाहे डी चौक में सामा में धरने देने पड़े चाहे हमें वेबिनार्स करने पड़े हर जगह हेल्प किया है. अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है हमने उतनी स्टूडेंट को सपोर्ट किया. हमारा काम ही स्टूडेंट वेलफेयर करना है. अब ये लेक्चर इसलिए दिया है कि आप लोग अभी न्यू आए हैं बच्चों पहले थोड़ी ओरिएंटेशन ले लें. देखें जो FSC सारी स्पून फीडिंग होती है उसमें आपको कॉलेज में भी स्पून फीडिंग की जाती है उसमें आपको अकेडमी में भी स्पून फीडिंग की जाती है. हर चीज आपको प्रॉपर तैयार करके तो पिलाई जाती है लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं होता. टोटली डिफरेंट माहौल होता है. प्रोफेसर सारे गवर्नमेंट के परमानेंट होते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती जॉब खत्म होने की. तो जिसका दिल करता है वो उसी तरह से पढ़ाता है जिसका नहीं दिल करता उसी तरीके से नहीं पढ़ाता. जिसका दिल करता है वो 4-4 days लगा के 1 week लगा के अपना लेक्चर प्रिपेयर करता है फिर आके लेक्चर डिलीवर करता है 45 minutes का. जिसका नहीं दिल करता वो सिर्फ किसी से स्लाइड बनवाता है एक दफा थोड़ी ना हल्की सी नजर से देखता है और लेक्चर डिलीवर कर देता है. तो ये स्ट्रेस तो आपको आएगी. आपको ऑलमोस्ट 2 months लगेंगे लेकिन आहिस्ता आप यूज टू होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन 2 months स्ट्रेस में गुजरते होते हैं बंदे को समझ नहीं आ रहा होता स्लाइड पे स्लाइड गुजरती रहती है. लेकिन इंशाल्लाह आपको लेक्चर दूंगा तो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. चलें अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ. इसमें मैंने आपको क्या बताना है फर्स्ट स्लाइड में. इसमें मैंने आपको स्टडी गाइडलाइंस बतानी है. ये स्टडी गाइडलाइंस का लेक्चर है बच्चों. फर्स्ट पॉइंट ये है कि देखें मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे स्टडी भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी. एक तो प्रोफेसर जो आपको पढ़ाते हैं उनका पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा. दूसरा जो आपने पढ़ना है आपका पैटर्न भी चेंज होना है. आपने यहाँ पे FSC या MCAT की तरह नहीं पढ़ना. वो मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या होगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने और पास पेपर पढ़ने या नॉलेज इन बिटवीन द लाइन भी सोचना है. हाँ जी ये उन्होंने करना होता है जिनका वाकई एम हो गया हमने पोजीशन लेनी है लाहौर मेडिकल कॉलेज में या हमने पोजीशन लेनी है जी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में या हमें 23 गोल्ड मेडल्स लेने हैं. उन्होंने ये काम करना है उनके लिए तो मस्त है. लेकिन अगर मैं हर बच्चे को आपने ये काम करना है वो उसकी अपनी मोटिवेशन है. देखें हर बच्चे का अपना एक विजन होता है हर बच्चे का अपनी मेंटेलिटी होती है. मुझे यहाँ पे सिर्फ कमकोलियंस या इकबालियंस नहीं सुन रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी सुन रहे हैं. यहाँ पे हमें FMGs भी सुन रहे हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो चाइना वगैरह में जिनका एडमिशन हुआ है या किर्गिस्तान वगैरह में एडमिशन हुआ है. मैंने हर लेवल पे बोलना है हर बच्चे को सोच के बोलना होता है. अच्छा स्पीकर या लीडर वो नहीं होता जो अपने लेवल पे बोलता होता है. अच्छा स्पीकर या अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरे के लेवल पे बोलता होता है. ठीक है तो ये है कि जिसने ऑलमोस्ट 80% मार्क्स लेने हैं 70% मार्क्स लेने हैं उसने क्या करना है उसने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने और पास पेपर वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब जो हम सीनियर्स बताएंगे आपको साथ साथ बताएंगे इंशाल्लाह. आपका जब कोई टेस्ट आया करेगा उससे 1 month पहले बता दिया करेगा. मैं या तो रिकॉर्ड लेक्चर ही रिकॉर्ड करूंगा इस तरह का या फिर मैं रिटर्न फॉर्म में आपको टेक्स्ट कर दूंगा ग्रुप्स में कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ने. क्योंकि हमारे एक एक्सपीरियंस हो गया वेब हाउस जो खत्म होने वाली है 6 years हो गया मेडिकल फील्ड में तो बहुत पता लग गया था. दूसरा पास पेपर आपने अच्छे से सोल्व करने हैं और पास पेपर में ऑलमोस्ट 96% पेपर आता होता है. अभी तक जितनी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी यही देखा है पास पेपर में से मैक्सिमम पेपर आता है 96% 98% मैक्सिमम पेपर आता है. चाहे मैट्रिक लेवल है FSC लेवल है MCAT लेवल पे UHS जब थी तब तक ऑलमोस्ट 70% 80% आता था. लेकिन जब से PMC आई है तो इतना रिपीट नहीं हुआ क्योंकि वैसे फर्स्ट टाइम PMC ने एग्जाम लिया है तो. लेकिन UHS जो ये MBBS के एग्जाम में ऑलमोस्ट 96% पेपर सारे वही होते हैं जो पिछले 5 सालों में आए होते हैं. जैसे आपने वो जरूर पढ़ने हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और दूसरी बात यह है इसमें एक और बात यह है कि अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आए. ऐसे होता है 5 साल में बच्चे कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है. कई दफ़ा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 बंदे के 6 months या 8 months गुजर जाते हैं. तो कभी ऐसा हो तो उसके लिए ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने क्या करना है. अगर इस तरह हो कि टाइम काफ़ी आपको गुजर जाए प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए तो कुछ नहीं होता. आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने इंशाल्लाह आपका स्कूल से पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह. तो अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ बिग बुक्स की तरफ. देखें बुक्स की तरफ देखें 2 type ऑफ बुक्स होती हैं बिग बुक्स और मिनी बुक्स विद लेक्चर्स. मतलब कुछ देखें ना कुछ लोग होते हैं वो बुक रीडर होते हैं
वो लेक्चर नहीं सुनते, मैं इसी ग्रुप में से हूँ। मैंने 5 years बहुत कम लेक्चर सुने, सिर्फ प्रथमा का लेक्चर सुना था, इसके अलावा कोई लेक्चर नहीं सुना था। 4th year में मैंने बुक्स ही रीड की हैं, लेक्चर नहीं सुने। और खास तौर पर फिजियो के एनाटॉमी की तो आपको वीडियोज वगैरह देखनी पड़ेंगी, वो मैं भी देखता होता था। तो अगर आप देखें फिजियोलॉजी के एग्जाम्पल हैं, तो बिग बुक्स एक तरफ, और अगर आपने मिनी बुक्स पढ़नी और लिखा ना, और मतलब टू ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया मैंने, बिग बुक्स एक तरफ और मिनी बुक्स भी लेक्चर एक तरफ, या तो बिग बुक्स पढ़ें और उनको अच्छे से पढ़ें, या फिर मिनी बुक्स अगर पढ़नी है तो फिर आपको लेक्चर्स साथ जोड़ने पड़ेंगे, मल्टी इंटरनेशनल लेवल के लेक्चर्स आपने साथ ज्वाइन करने हैं, फिर उनको सुनना है, उनसे कॉन्सेप्ट बनाने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर बुकलेट बनानी नोट्स की, या उनके नोट्स वैसे ही मिलते हैं तो वो नोट्स परचेज करने हैं बुक्स मिला के, तो फिर आपने पेपर अच्छे से पढ़ना है। और सबसे अच्छा जो ना वो ये है कि एक तो लेक्चर सुने और साथ में बिग बुक भी पढ़े, इसमें जाहिर पता टाइम अच्छा खासा लगेगा। तो ये गवर्नमेंट होते हैं जो यूएस में डॉक्टर, ये काम करते हैं, करना पड़ता है ये काम। अगर आप एम बढ़ा है तो आप काम भी बड़े करने होता है ना, इफ यू वांट टू शाइन जलोगे। तो इसके आप चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये कि एवरी टेस्ट शुड बी गिवन। ये ना जो 3 to 4 points है ना, ये आपस में मिलते जाते हैं, 3 से लेके 6 तक, 3, 4, 5, and 6। देखिए हर टेस्ट देना है, आपके पास जितने टेस्ट होते हैं ना, जिस जाके फिजियो बायो केम एनाटॉमी के, वो आपने काउंट होते हैं। वो अब इंटरनल असेसमेंट क्या होती है, 20 marks हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए जी, आपके 600 marks टोटल है एमबीबीएस के, 3 subjects हैं आपके, हर सब्जेक्ट पे 200 marks हैं। 200 में से 100 के बनते हैं, इस 200 में से 20 marks आपके किस चीज के हैं, इंटरनल असेसमेंट के लिखा है ना, 20 marks फॉर ईच सब्जेक्ट, तो 20 marks आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, 10 marks सब रिटन में से। अब इंटरनल असेसमेंट में होता क्या है बच्चों, इसके अंदर आपकी अटेंडेंस काउंट होती है, एक तो अटेंडेंस काउंट होगी, दूसरा टेस्ट काउंट होता है, ये टू मेन चीज होती है आपकी, उसमें से भी नंबर कट, उसकी वजह से भी नंबर कटते होते हैं। इंटरनल असेसमेंट की वैल्यू ये होती है कि देखिए आप प्रोफेसर के पास गए हैं वाइवा में, और आपके टेस्ट सारे सारे आपके टेम्पलेट हैं, आपने सारे सारे टेस्ट आपने पास भी किए हुए हैं, कोई इश्यू हो गया तो इसमें ये होता है कि प्रोफेसर भी क्या करते हैं कि आपकी डिजीज का देख के फिर वो इंटरनल असेसमेंट देखते हैं, अगर असेसमेंट अच्छी हो ना तो आपको कुछ कहे बगैर, डांटे बगैर, इंसल्ट किए बगैर आपको भेज देते हैं, कहते ठीक है बेटा आप चले जाएं। और बड़ा ही अच्छा हो तो कई बार सक्सेसफुल भेज दिया मुझे, कहीं फेल ना कर दिया हो, स्ट्रेस भी होती है इस चीज की। लेकिन कोई बहुत ही नाइस हो ना, वो तो मदर लाइक फादर लाइक केयर देते हैं, कहते हैं बेटे आपको पास कर दिया है, ठीक है आप बीमार हैं, आप पढ़ नहीं पढ़ के आप रिवाइज नहीं कर सके, लेकिन ये असेसमेंट की बेस पे मैंने आपको पास कर दिया, और 6 नंबरों से, अब असेसमेंट बहुत अच्छे, 6 नंबर से भी पास कर देते होते हैं कि इस एक बच्चे ने पूरा साल में गुजारा है, पूरा साल ही टेस्ट होने ना आपके, सेंड अप भी पूरे साल होने, सेंड अप भी देने, पास भी करने, तो इसलिए अच्छा मिल इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। दूसरी बात है अटेंडेंस भी काउट होती है, और अटेंडेंस पॉइंट बनाए, अटेंडेंस कैन बी लेस देन 20% ऑफ गिवन परसेंटेज। जो गिवन परसेंटेज है ना, आप उससे 20% लेस भी परसेंट रख लें, अटेंडेंस रख लेंगे ना तो एडमिशन आपका चला जाएगा, लेकिन एनुअल में आप अपीयर हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है, साथ आपके टेस्ट सारे पास होने चाहिए, ये ना आपने टेस्ट छोड़े हों, अटेम्प्ट भी सारे होने चाहिए, पास भी होने चाहिए। टेस्ट मोस्टली टेस्ट अटेम्प्ट करने का 1 नंबर होता है, और पास करने का 2 नंबर होता है। इसमें से अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट भी कर लिया, फेल भी हो गया ना, अगर आपको नहीं भी किसी वजह से प्रिपेयर कर सके, कोशिश करें टेस्ट दें जरूर, अटेम्प्ट जरूर करें, कम से कम आपका ये तो होगा ना सिर्फ अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल ही नॉनसेंस भी बनी। एक सब्जेक्ट के मुश्किल से पूरे साल में 7 टेस्ट होते हैं सारे, कौन से कोई आपके 30-40 जाके टेस्ट होने हैं, 2 मंथ्स के बाद या 1 मंथ के बाद एक टेस्ट आता होता है हर सब्जेक्ट का। इसी तरह आप इंटरनल असेसमेंट में बिहेवियर में आपको पहले बता दिया हुआ है, अगर आपने मिस भी देखे ना 6 point, मिस बिहेवियर डिमोन्स्ट्रेटर प्रोफेसर कैन बी अ कॉज ऑफ फेलियर इन प्रोफेशनल एग्जाम। अगर आपने किसी प्रोफेसर डिमोन्स्ट्रेटर से मिसबिहेव किया ना, बदतमीजी की हुई है, तो वो आपका फेलियर की कॉज बन सकता है। क्यों, वो बच्चा एक तो पहली बात है, पहली वो डिमोन्स्ट्रेटर वगैरह ना उसका पिक देख के, पिक्स वगैरह जमा करवाई होती हैं, रोल नंबर असेस कर लेते हैं, या बच्चे से खुद पूछते हैं, फिर उसको कंफर्म करते हैं, फिर उस जो इंटरनल असेसमेंट का रजिस्टर होता है ना उस पर लिखा होता है, जब आपने वाइवा देने जाना है रजिस्टर सामने पड़ा होता है, बस वो पूरा रजिस्टर होता है। कई बार तो प्रोफेसर खुद कहते हैं कि बेटा अपने इंटरनल असेसमेंट का रजिस्टर खोलो, बस रोल नंबर देखें अपना, और अपने रोल नंबर का रजिस्टर ओपन करें, अपना पार्ट ओपन करें, वो 2 पेजेस हैं, दोनों पे एक तरफ टेस्ट के नाम नाम लिखे होते हैं, एक तरफ अटेंडेंस लिखी होती है, और अगर मिस बिहेवियर वगैरह तो वो लिखा होता है, या कोई बड़े अच्छे बिहेवियर का बच्चा तो उसके गुड बिहेवियर भी लिखा होता है, ठीक है जी। तो
तो वो फिर वहां लिखा होता है कि किसी प्रोफेसर को बड़ा ही गुस्सा के ऊपर, तो आप वो सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी वैसे फेल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी वैसे भी फेल कर सकते हैं। तो इसलिए ये काम आपने गलती कभी नहीं करनी, ये गलत बात होती है। वैसे भी बड़ों से ऐसी गैर अखलाक की बातें नहीं की जाती, उनको बदतमीजी करना वैसे ही हमारे दीन में मना, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने नापसंद फरमाया। और सेवंथ पॉइंट है गिविंग एग्जामिन सप्ली इज अ ग्रेट रिस्पेक्टर ऑफ लूजिंग एन एकेडमिक ईयर ऑफ लाइफ। देखें ये सप्ली में पेपर देने वाला काम खतरनाक है, मतलब सीनियर गार्डियन करते हैं वो नेगेटिव फीडिंग करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि जी आप पता क्या करें, आप पूरा साल लेक्चर में जाते हैं समझ कुछ आती नहीं है, तो अभी तरह लेक्चर सुनना ही छोड़ दो, अटेंडेंस कम हो जाएगी, वो आप एडमिशन नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं होता, एनुअल ना पेपर देना, सप्ली में पेपर दे देना, सप्ली में पास कर लेना, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन देखें एक पहली बात है, एनुअल में पेपर पास करना आसान होता है क्योंकि स्ट्रेस कम होती है आपके ऊपर, लेकिन सप्ली में पेपर पास करना मुश्किल क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होती है, क्योंकि एनुअल में होता है कि हौसला होता है कि अल्लाह ने अगर सप्ली लग भी गई तो मैं सप्ली में दे दूंगा, लेकिन सप्ली में ये होता है कि आपको ये होता है अगर आपको पता होता है कि सप्ली में मेरा एक मैक में भी फेल हो गया तो मेरा साल जाया हो जाना, फिर मुझे नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स के साथ एनुअल में पेपर देना पड़ेगा, फिर आप एक साल पीछे चले जाते हैं, आपके फेलोज आगे जा रहे होते हैं आप पीछे रह गए होते हैं, आप अपने जूनियर्स के साथ बैठ के लेक्चर अटेंड करते हैं, उनके साथ बैठ के आप पेपर दे रहे होते हैं, शर्म, एक बंदे को गिल्टी फील होती है, शर्म फील होती है, तो इसलिए ये वाला काम नहीं करना, वो पेपर पास करना मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि एनुअल में आप 360 आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं 350 बच्चे आपके साथ पेपर दे रहे होते हैं, लेकिन जिन्होंने इतना पढ़ा नहीं होता वो ग्रुप स्टडी भी क्या करेंगे बेचारे, तो वो फिर नहीं होता। दूसरी बात है सप्ली में जो पेपर दिए होते हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है एफसीपीएस में, सीआईपी में, आपकी एक सप्ली लगती है तो आपका नंबर कटता है, 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इसके डिस्टिंक्शन होता है 2 मार्क्स मिलते होते हैं, डिस्टिंक्शन होती है 200 में से 170 मार्क्स लेना, अगर आपने 170 मार्क्स लिए हुए तो आपको फिर डिस्टिंक्शन मिल जाती है, इसका सर्टिफिकेट होता है और 2 मार्क्स इसके एक्स्ट्रा मिलते हैं सीआईपी में, क्योंकि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी सीआईपी क्या होती है कि मेरिट की बेस पे आपने एफसीपीएस करना है, एफसीपीएस में एडमिशन भी आपको मेरिट की बेस पे मिलता है, जैसे मेरिट बेस पे आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, तो सीआईपी में आपको इसके नंबर मिल जाते हैं। तो कोशिश करना आपने सप्ली में नहीं पेपर देना। उसके बाद एट है फॉलो स्टडी पैटर्न ऑफ बोथ एमसीक्यूज एंड एसईक्यूज, आपने एमसीक्यू एसईक्यू दोनों के स्टडी पैटर्न फॉलो करने हैं। देखिए आपने एफएससी में तो दोनों फॉलो किए थे, लेकिन एनटीटेस में ये हुआ था कि एनटीटेस में सिर्फ एमसीक्यू पढ़े थे तो आपके रिफ्लेक्सेस सारे के सारे एमसीक्यू बन गए थे, लेकिन अब आपने दोनों के बनाने एमसीक्यू के भी ऐसे उसके भी, आपको पता है एमसीक्यू कैसे बनेंगे, हर लाइन में एमसीक्यू बनाना पड़ता है, जाहिर पता है एमबीपीएस लेवल पे जरा मुश्किल काम है, लेकिन जो बड़े पढ़ने वाले होते हैं वही करते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल लेने हैं, जिन्होंने टॉप करना है, यूएचएस में पोजीशन लेनी है, अपने कॉलेज में पोजीशन लेनी है, वो बनाते हैं हर लाइन में एमसीक्यू बनाते हैं, और दूसरा वो एमसीक्यू बुक्स भी प्रैक्टिस करते हैं काफी ज्यादा करते हैं, तो ये करना होता है। और ऐसे ही कुछ आपको पता है कि रजिस्टर पे अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बना के प्रेजेंट करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत ऐसे ही कुछ सोल्व करने पड़ते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के आपको पेपर मिल रहे हैं वो सोल्व करें, आप उसकी प्रैक्टिस करें, ये ऐसे ही की प्रैक्टिस है। और अब इसी के आगे 2 to 3 पॉइंट्स रह गए हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल कॉपीज आपने जरूर बनानी है, देखे ना, शुड बी मेंटेन्ड एज पर स्केड्यूल, स्केड्यूल के मुताबिक बनानी है आपने, ये नहीं अकेडमी बनानी, कई लोग कहते हैं अकेडमी बना बन जाती होती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर आपने देखें एंड में ना आपके 4 मंथ्स 5 मंथ्स बहुत स्ट्रेस के गुजरे होते हैं, नींद से इतना पूरी नहीं हुई होती है, एक मुकम्मल स्ट्रेस होती है, खेलना भी बंदा बंद कर देता है, इवन कई कई मतलब सही तरह नहाया भी नहीं जाता प्रोफ में, अगर वैसे आप नॉर्मल डिनर में दिन में 3 दफा नहाते थे प्रोफ में मोस्टली 1 दफा बंदा नहाता है, क्योंकि कहते हैं कि नहाने का भी टाइम नहीं जाया करना हमने, इस तरह होता है, तो इसलिए कोशिश करें। अब उसमें इतना पढ़ना होता है, कितनी स्ट्रेस होती है ना, मतलब घूमने फिरने कहीं जाता है, जाते भी है तो रिटर्न के बाद 1 दफा चले गए, वाइवा के बाद 1 दफा चले गए, ऐसे घूमने फिरने वाले तो हर रिटर्न के बाद चले जाते हैं कि आज रिटर्न दे के आए हैं, 2 डेज पढ़ा है आज रिटर्न दिया है, आगे 2 दिन है दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो कुछ नहीं होता, आज थोड़ा घूम फिर आते हैं, खाना बाहर से खाते हैं, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अब खाना भी बाहर खाने जाते हैं स्ट्रेस फिर भी थोड़ी बहुत होती है, तो इसलिए स्ट्रेस वाला पार्ट है, उसमें आप एक और स्ट्रेस अपने सर पर डाल देंगे, जब हमने 3 प्रैक्टिकल कॉपीज बनानी है फिजियो की, बायोकेम की, एनाटॉमी की, तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस, जब वो बनानी है फिर वो चेक भी करवानी है, वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, वो भी डिमोन्स्ट्रेटर की मर्जी है चेक करे या ना करे, साइन नहीं करेंगे तो आपकी इंसल्ट है फिर वाइवा वाले दिन, एक तो इसके 5 मार्क्स होते हैं, दूसरा फिर जब कोई अजीब सा बंदा बैठा हो ना जो अपनी जिंदगी से तंग हो तो वो फिर तंग करता है, फिर आपकी कॉपी नहीं बनी, उस पर भी आपकी बेइज्जती करेगा, जब बेइज्जती करेगा तो आप पहले स्ट्रेस से ऊपर से देखें, फिर स्ट्रेस होती है, एंटी डिप्रेशन भी खानी पड़ती है, एंटी डिप्रेशन खानी पड़ती है, तो SSRIs खानी, सिडेटिव्स खानी पड़ती हैं, तो वो ऊपर से आपको इंसल्ट करेगा, आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, जो थोड़ा बताता होता है वो भी भूल जाएगा, तो आपने ये वाला काम नहीं करना।
दूसरी बात है कि एनाटॉमी इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड लेंथी सब्जेक्ट. एनाटॉमी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, तो आपने कोशिश करनी है इसको आपने डिटेल में पढ़ना है. और आगे जब आप बुक्स की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें फोर फर्दर सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट हैं, जैसे ग्रोस एनाटॉमी, फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और जनरल एनाटॉमी. फर्दर फोर सब्जेक्ट्स हैं इसके, इतना लेंथी और डिफिकल्ट बहुत है, ड्राई बहुत है, समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है. इलेवंथ है कि लिसनिंग ऑफ फेमस लेक्चर्स क्रूशियल फॉर मेकिंग कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स आपने बनाने हैं तो फेमस लेक्चर जरूर सुने, जैसे मैंने डॉक्टर नजीब वगैरह की एग्जाम्पल दी, ऑस्मोसिस हैं और बहुत से लेक्चर्स हैं, वीडियोज वगैरह उनसे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं. कोशिश करें कि एनाटॉमी का आपने कॉन्सेप्ट अगर बनाने हैं ना, तो वो फिर आप क्या करेंगे, वीडियोज देखेंगे आप, वो वीडियो में दिखाएंगे कि आप ये वाले फोर आर्म के मसल हैं, फ्लेक्सर्स भी कहा जाता है इनको, ये कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टेंडन की स्ट्रेचिंग होगी और ये फिंगर्स फ्लेक्स होंगी, रिस्ट फ्लेक्स हो जाएगी, वो धीरे धीरे दिखाएगा. जब आपने एक बार देख लिया होगा तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर कभी जिंदगी नहीं भूलेगा कि फ्लेक्सर जो होते हैं, फ्लेक्सर के बाद इंटीरियर मसल भी फोर आर्म भी कहा जाता है इनको, ये फ्लेक्शन करवाते होते हैं. तो आपने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने हैं. बाकी टेक केयर, बी वेरी मोटिवेटेड.